एक बुद्ध पुरुष, एक गुरु शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि वो तुम्हें शब्दों के पार लेकर जा सके। ग्रंथ सुंदर है लेकिन उसका उद्देश्य था तुम्हें निषद में ले जाना, उनसे तुम बंध कर रह गए। वे सिर्फ एक जरिया है, सिर्फ एक ब्रिज की तरह, ताकि तुम उस पार जा सको। उनसे चिपकना नहीं है, लेकिन अगर तुम इस पुल पर ही अपना घर बना लेते हो तो ये मूर्खता है। उससे गुजर जाना है, वहाँ घर नहीं बनाना। गुरु ये बात समझता है कि अभी तुम मौन को नहीं समझ पाओगे, इसलिए वो शब्दों का प्रयोग करता है, तुम्हें अपने ज्ञान से रिझाता है। लेकिन इस सब के पीछे एक शुद्ध लक्ष्य होता है कि तुम्हें उस परम मौन का संदेश देना। जितना तुम उस मौन को पकड़ना शुरू कर दोगे, उतना तुम गुरु के शब्दों से ज़्यादा उस मौन के साथ जुड़ पाओगे, और जितना तुम्हारे भीतर वो मौन की स्थिति बनेगी, तुम उस मौन को सब जगह पाओगे, बाजार में, बाहर संसार में। शब्दों के बीच, पंक्तियों के बीच, कभी कभी गुरु को सुनते हुए उनके शब्दों में तुम मौन को सुनना शुरू कर दोगे, और एक बार ये घटना घट जाए तब तुम उन धर्म ग्रंथों को जी रहे होते हो। तब पहली बार ये ग्रंथ तुम्हारे सत्य के साक्षी बनते हैं, उससे पहले ये सिर्फ एक ज्ञान, एक इन्फॉर्मेशन होती है। गुरु तुम्हारे जीवन की परम घटना है। गुरु के साथ होने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ देना होगा, और गुरु इंतज़ार करता है, तुम्हें तैयार करता है, तुम्हें उस मौन के लिए तैयार करता है। गुरु को अपने करीब आने देना है ताकि वो तुम्हारी सहायता कर सके, और तुमसे भी पहले गुरु ने तुम्हें चुन लिया है, तभी तुम उसके पास भी जा पाओगे। शब्दों के पार जाना है, सत्य शब्दों के पार है, उस मौन में है, तुम्हें बस तैयारी दिखानी है, असली गुरु के साथ जुड़ना है। मेरी प्रार्थना और आशीर्वाद है कि प्रकाश और शांति की ये घटना तुम्हारे जीवन में भी घटे। प्रणाम।